गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी गार्डन से। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो पिटोनिया प्लांट होता है वो थोड़े दिन के बाद फ्लावरिंग करना बंद क्यों कर देता है, इसके ऊपर मेरा वीडियो है। अगर जो आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और फिर देखते रहिए मैं क्या अपने पिटोनिया प्लांट में करती हूँ, फ्लावर प्लांट में, जिससे बहुत ज़्यादा ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो आप हमारा ये प्लांट देख रहे हैं कितना ड्राई हो गया है, बिल्कुल सूख गया है। और सूख तो डेली जाता है क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ड्राई होने के बाद में ये जो मिट्टी है बिल्कुल, जैसे देखिए अब जम जाती है। ये हमारा जूम कर दिखा, ये मिट्टी जो जम जाती है, यही एक कारण होता है मैं पौधे को सुखाने का। प्लांट से साइड साइड से सूखने लगता है और फिर फ्लावरिंग छोटी कर देता है। ये देखिए जिस तरीके से आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, छोटा सा फ्लावर आया है और इतना बड़ा फ्लावर इसमें आता है। तो छोटा सा फ्लावर आने का सबसे बड़ा यही कारण है कि हमारी जो गमले की मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो इस समय समय पर इसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। जब आप गुड़ाई पौधे की करते रहेंगे, प्लांट की, हमारे गमले की गुड़ाई करते रहेंगे, तो हमारे प्लांट में ऑक्सीजन लगातार मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन हर सब को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे लिविंग थिंग्स ही होते हैं हमारे प्लांट्स, तो इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब ऑक्सीजन इनको सही से मिलती है तब हमारी प्लांट्स की जो ग्रोइंग क्षमता है, जो पावर होती है, जो हमारी मिट्टी की सॉइल सॉइल होती है, वो बहुत ही बेहतरीन सॉइल हो जाती है। और तो इसकी जो मैं आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, वो आप हमारे वीडियो में ज़रूर देखिएगा कि जो जब फ्लावरिंग हो जाए, जब आपके पौधे में फ्लावरिंग हो जाए, तो उसके बाद में जो जैसे आपका सूखा सूखा हुआ जो उसमें भी वो लग जाता है, जो जहाँ पे फ्लावर हो जाता है वो सूख जाता है, उसको तुरंत हटा दे। जैसे हमारा प्लांट है, इसमें देखिए सब फ्लावरिंग हो चुकी है, एक दो फ्लावर लगे हैं, और जो सूखे हुए फ्लावर हैं इनको तुरंत हटा सकते हैं, क्योंकि जब फ्लावर सूखे हटाएंगे तो ये एनर्जी लेना बंद कर देंगे। जब एनर्जी लेना बंद कर देंगे तो नई नई बर्ड्स आएंगी और वो हेल्दी बर्ड्स होंगी। तो यही हमारे पिटोनिया वगैरह, जो पिटोनिया के प्लांट हैं या और किसी चीज़ के प्लांट हैं, इनमें सब ज़रूरत होती है। और हमारे गमले टंगे हुए होते हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा आलस आ जाता है कि अपने पौधे की ये जो काम जो हम कर रहे हैं ये काम नहीं कर पाते हैं, हमारे बहुत बिगनर्स जो हमारे गार्डनर्स होते हैं नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके प्लांट में फ्लावरिंग छोटी छोटी हो जाती है और फ्लावरिंग करना वो बंद कर देते हैं, बस यही रीज़न होते हैं। और ज़्यादातर इनको खाद की, इन वाले छोटे छोटे से हमारे सीजनल के पौधों को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, बस मिट्टी, एक बार जब पौधा लगाएं उसकी मिट्टी पोरस होनी चाहिए, जैसे गोबर की सड़ी खाद होती है थोड़ी सी, और मिट्टी में ये हमारा पौधा लग जाता है तो लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। और जैसे ये स्टिक हमारी लंबी हो गई है, फ्लावर हमारा सूख चुका है, थोड़ा बहुत है, कल तक और चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा तो मैं इसकी स्टिक यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ये स्टिक मैंने रिमूव कर दी तो हाइट में थोड़ा छोटा रहेगा और यहाँ से नई नई ब्रांच निकलने के बाद में हमारा पौधा बहुत ही एनर्जिकल पौधा रहेगा, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर्स आएंगे। इसको भी हमें गुड़ाई की ज़रूरत है, ऐसे जब हम गोड़ देते हैं इसी मिट्टी को तो ऑक्सीजन जो है हमारे पौधों में मिलती रहती है। और खाद की देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़्यादा इसमें खाद नहीं देती हूँ, बस जो हमारा बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र जो हमारे पास हर समय रखा रहता है, वही लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने पानी में मिला के इनको पानी की जगह पे दे देती हूँ, तो इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होती रहती है। इधर मैं थोड़े दिन से इनको देख नहीं पाई, इसी वजह से इसकी स्टेम ये सूख गई। सूखी स्टेम बहुत डिस्टर्ब करती हैं हमारे पौधों को, बिल्कुल जो स्टेम सूख जाए उनको तुरंत हटा दे, और जो फ्लावरिंग हो जाता है पौधे में, फ्लावरिंग हो जाती है तुरंत हटा दे। इस तरह से देखिए कितने ज़्यादा इसमें फ्लावर खिले हैं और सूख भी है, जो फ्लावर सूखे हुए लगे हैं उनको तुरंत हटा दें, और फिर पिटोनिया हमारा बहुत समय तक खिलता रहता है। और अगर जो ज़्यादा धूप में इनको ना टांगे, और थोड़ा सा हल्का सा इसमें धूप 2-3 घंटे की लग जाए, फिर इसके फ्लावर्स जो होते हैं बहुत ही, इनका कलर भी नहीं डाउन होता है और ज़्यादा 2 दिन तक फ्लावर आपका 2-3 दिन तक खिला रहता है, और जो सूखे फ्लावर जरूर हटा दें। और जो मैंने आपको बताया है इसकी गुड़ाई ज़रूर करें, हमारा हर गमला सूखा हुआ है, इसमें पानी की ज़रूरत है और गुड़ाई की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा आपको वीडियो दिखाती हूँ, तो ये क्योंकि आजकल फ्लावरिंग पे है, बहुत भयंकर इसमें फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें जैसे फ्लावर कलर आते हैं, बहुत खूबसूरत। हमारे पास 5 कलर हैं जो कि आपको आप देख रहे हैं, 1, 2, और ये सब वाइट कलर का है, बहुत सारे फ्लावर प्लांट हैं हमारे पास।
इसी तरह से जब आप अपने पौधों की देख रेख करते रहेंगे तो आपके जो फ्लावर पॉट हैं जो उसमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी और हमारे बहुत बढ़िया से फ्लावर खिलते रहेंगे। और जहाँ पे थोड़ी सी स्टेम लंबी हो जाए, फ्लावर खिल जाए, तो आप उसको तुरंत काट दें। तो यही हमारा वीडियो था आज के हमारे पिटोनिया प्लांट के लिए। तो आशा है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो और इसी तरीके से आप अपने पौधों की देख रेख करें। जो फ्लावर सूख गया है उसको तुरंत हटा दें, और सूखा फ्लावर जब हट जाता है तो और हमारे स्टेम में एनर्जी मिलती रहती है। बस मेरा यही वीडियो है आप लोगों को पिटोनिया प्लांट के बारे में। और आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।